अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए टू जी एंटरटेनमेंट पर आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नई पाकिस्तानी फिल्म 50 करोड़ पर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो कई दहाइयों से नाकामी के दहानों पर है, इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें सर फहरिस्त मजबूत स्टोरी का ना होना, अक्स बंदी, डायलॉग, गाने, डांस का प्रोफेशनल ना होना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना शामिल है। बहरहाल हम बात करते हैं नई आने वाली फिल्म 50 करोड़ पर। इस फिल्म के बारे में मज़ीद जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। यकीनन ये फैसला आपके लिए मुफीद होगा, क्योंकि हम आपको करेंगे मज़ीद इंटरटेन। तो नाज़रीन, नई आने वाली फिल्म 50 करोड़ पर बहुत मेहनत हो रही है, क्योंकि ये फिल्म बाकी फिल्मों से हटकर है, नई तर्ज की है और उम्मीद की जा रही है कि ये कोई अच्छा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो। क्योंकि इसकी कास्ट काफ़ी मजबूत है, इसमें फैसल कुरैशी, इजाज असलम, महमूद असलम, अदनान सदीकी, फरियाल मखदूम वगैरह शामिल हैं। दूसरी तरफ ये फिल्म आने से पहले ही सोशल मीडिया पर बेशुमार तनकीद का निशाना बन गई है। फिल्म 50 करोड़ का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद ही सोशल मीडिया सार्फिन फिल्म की कास्ट समेत मुमकिना कहानी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म मारूफ सीरीज़ मनी हाइस्ट का चरबा है। ताहम कुछ सार्फिन और मदाहों ने फिल्म को मुनफरद अंदाज में बनाने पर हिदायतकार और प्रोड्यूसर को सराहा है। इसके मतलब फिल्म के अदाकार एजाज असलम ने वजाहत देते हुए मुद्दाओं से कहा, लोग हैं जो जजमेंटल लोग हैं, बहुत सारे अपनी ऐसी राय दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऐसा है, कोई कह रहा है मनी हाइस्ट है, कोई कह रहा है उसको कॉपी बना दी, कोई कह रहा है नोयान का गेटअप है, सब ने गेटअप लिए हुए, कोई किसी को किसी से मिला रहा है। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, 8-10 दिन ठहरे हैं कि वह तनकीद से पहले फिल्म का इंतज़ार कर लें। इन्होंने कहा कि पहले आप फिल्म देख लें, फिर बताएं कि वो अच्छी है या बुरी, लेकिन वक्त से पहले परखे नहीं। अगर कोई मुनफरिद प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसकी तारीफ करें और प्रोजेक्ट आने के बाद अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।